सो नेक्स्ट 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के। 2018 के हमने क्वेश्चंस बना लिए सारे, अब 2019 के क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, 19 के, ठीक है। तो 2019 पे भी मार्किंग स्कीम सेम थी 2018 की तरह। तो 18 में कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे? 7 मार्क्स के, तीन क्वेश्चन, तीन ही आए, चार आए थे, ठीक है, ओके। 2019 पे भी सेम मार्किंग स्कीम है, यहाँ नोट है वही वाली, देखिए, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक मार्क के, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए ना। और कायदे से तो हाँ ठीक, 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको दिखेगा ये, क्योंकि 15 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यही 5 नंबर के होते हैं, तो या तो 15 में दिखेगा या 16 में दिखेगा। अब ये जो 2019 का पैटर्न है, इसमें टैक्सेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, एक आया है रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट से और दूसरा आया है टैक्सेशन से, वो दोनों ऑप्शन में रहेंगे, जो आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको दोनों बनाने हैं, समझ गए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक को डिस्कस करते हैं, तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन है, देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, ए पर्सन हुज एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 लाख, एक आदमी है जिसका सालाना आय 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये टैक्सेबल इनकम है, 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स के दायरे में फंसा, ठीक। तो 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, विल हैव टू पे टैक्स अलॉन्ग विथ कैश, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना? आंसर है नो, 30%, 30% इज द करेक्ट आंसर। पूछो क्यों, ठीक है, देखिए आप लोगों ने बार बार टैक्स रेट देखा है उसका चार्ट, 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2 लाख से 5 लाख तक यानी 3 लाख, 2 लाख से 5 लाख यानी 3%, 10% उसमें लगता है। तो अगर उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से, तो 2 लाख तक तो टैक्स नहीं लगा, बचा 8 लाख। अब ये 8 लाख जो है 2 लाख से ज़्यादा है कि नहीं 5 लाख तक, फिर से सुनिए, टोटल उसने 10 लाख से ज़्यादा पैसा कमाया, मान लो 11 लाख 12 लाख कमाया, हाँ जी 10 लाख से ज़्यादा मानिए, समझ गए, ध्यान से सुनते जाइए। ये सारी बातें हमने बेसिक लेक्चर में कवर की हुई हैं ऑलरेडी, आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से अगर आप उसको देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और इसके जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसने 10 लाख से ज़्यादा कमाया, मान लो 11 लाख रुपया उसकी 1 साल की इनकम थी, ठीक है। अब उसमें से 2 लाख में तो कोई टैक्स नहीं लगना, 2 लाख टैक्स फ्री हो जाता है, मालूम है आपको, अकॉर्डिंग टू द चार्ट 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख जैसा भी रेट है, हम मोटा मोटा कितना मान ले रहे हैं 2 लाख, तो 2 लाख रुपया निकल गया। अब 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख के बीच में, अभी छोड़ दो आगे जो पैसा है उसको छोड़िए, 2 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक कितना पैसा है ये? 3 लाख, इसका 10% लगेगा, तो 10% तो यहीं पे हो गया, 2 से 5 लाख के बीच हो गया 10%, तो अब ये 10% याद रखना, ठीक। अब जो पैसा 5 लाख से ज़्यादा होगा और 10 लाख से कम होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% लगता है, तो 10% ये और 20% ये कितना हो गया? 30%। तो ये खाली टैक्स हो गया, इसके अलावा भी जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है उसको एडिशनल टैक्स देने होते हैं, कौन से एडिशनल टैक्स? एजुकेशनल सेस, आंसर है नो, एजुकेशनल सेस तो सबको देना होता है, चाहे उसकी इनकम 2.5 लाख ही क्यों ना होती, एजुकेशनल सेस तो लगता ही उसका, वो तो कंपलसरी पार्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा टैक्स को बोलते हैं सर चार्ज, और वो होता है 10%। तो देखिए 30% तो खाली इसके टैक्स का कैलकुलेशन हो गया, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 30% तो यही हो गया, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो इसको 10% और देना पड़ेगा सरचार्ज, तो टोटल कितना परसेंट होता है? 40%। लेकिन इन्होंने सरचार्ज का जिक्र नहीं किया, सिर्फ टैक्स का डिस्कस किया है, कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो कायदे से कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30%, हालांकि 10% सरचार्ज और लगेगा उसका, उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू फाइंड मैच्योरिटी अमाउंट इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो हम अमाउंट निकालने का फार्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा फार्मूला है? आपके सामने लिखा हुआ है शब्दों में, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1+rate/time, या प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 1+rate/100 into time, ऊपर पावर में,
टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस टाइम अपॉन 100 टू द पावर रेट. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू 1 प्लस टाइम अपॉन 100 टू द पावर रेट. कौन सा सही लग रहा है? फर्स्ट वाला. और ये सब जान रहे हैं आप. शॉर्टकट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, है ना? ऐसे लिखते हो, ठीक है? फर्स्ट वाला ठीक. ये सेट बी का क्वेश्चन था. तीसरे सेट में आया था द अकाउंट इन विच अकाउंट अ फिक्स डिपॉजिट है या सेविंग बैंक्स है या रिकरिंग है या करेंट है किसी भी टाइप का. द अकाउंट इन विच द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन ओनली बी विदड्रॉवन आफ्टर ए मेच्योरिटी ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड इज. एक ऐसा अकाउंट जिसमें से आप पैसा तभी निकाल सकते हैं, विदड्रॉ करना, निकालना. एक ऐसा अकाउंट जिसमें से पैसा तभी विदड्रॉ किया जा सकता है जब उसकी निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी हो, टाइम जो फिक्स था वो कवर हो चुका हो, पूरा हो चुका हो. तो ऐसे खाते को क्या बोलते हैं? तो ये होगा, ठीक. बाकी के रिकरिंग और करेंट और सेविंग मत लिख देना. हमको लगता है कि सबका खाता सेविंग्स अकाउंट होता है बैंक में अक्सर. 99% जनरल लोगों का कौन सा खाता ओपन होता है? तो हमको लगता है यही खाता होगा, टिक लगा दो. ऐसा नहीं है ना. कौन से खाता होता है जी जिसमें फिक्स टाइम के बाद आप पैसा निकालते हो? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ओके, ये तीन क्वेश्चन थे तीनों सेट के. अगला क्वेश्चन जो था हमारा फिल इन द ब्लैंक से था, द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड. वो वाला पैसा, वो वाला अमाउंट जिसमें ब्याज लगाया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जिस पे ब्याज मिलता है. तो आंसर है जो पैसा आप जमा करते हो उस पे ब्याज मिलता है. नहीं समझे? द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, वो पैसा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और आपको दिया जाता है, वो पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट. नहीं समझे? जो पैसा आप जमा करोगे उसी पे ना इंटरेस्ट मिलेगा. आया समझ में कि नहीं? आप 100 रुपया जमा करोगे तो आपको 100 रुपया में इंटरेस्ट मिलेगा. आप 1 लाख जमा करोगे आपको 1 लाख में इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पर होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर होता है. समझ गए? सो इसका आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट. समझ गए ना? हाँ. सेकंड क्वेश्चन इज द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन. लीव्ड मतलब होता है लगाना. लीव्ड मतलब क्या होता है? लगाना. द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन्स इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड. उस टैक्स को क्या बोलते हैं जो एक आदमी पर लगाया जाता है, उसके कितने पैसे पर? आंसर है सारे पैसे पर जो एक साल में वो हर सोर्स से कमाता है. एक आदमी के कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं? बहुत सारे. तो सारे सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा वो कमाता है साल भर में टोटल, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस टैक्स को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स. फिर से पढ़िए, द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन ए पर्सन्स इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड इनकम टैक्स. नहीं समझ आया क्वेश्चन? इनकम पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स. और ये देखो, ये दोबारा रिपीट हो रहा है ना. ये छोटू 2018 में आया था. एजुकेशनल सेस इज पेबल ऑन. चलो ये तो रटा गया, इस साल आया तो बना ले जाओगे, है ना? कि नहीं बनेगा? देखते हैं, ठीक है? तो ये तीनों सेट के फिल इन द ब्लैंक्स 1-1 मार्क के, तीनों सेट के ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क के, ये आपके 2 मार्क्स प्रिपेयर हो गए, 2 मार्क्स 2019 के, ठीक है? तब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है?